मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास के नए पहलुओं का शिलान्यास और लोकार्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को उज्जैन शहर पहुंचे। उन्होंने सुबह 11:15 पर हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पुलिस लाइन पर अपनी पहुंच की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया। दोपहर 1 बजे उन्होंने उज्जैन से हरसुद जिला खंडवा के लिए प्रस्थान किया। प्रशासनिक अफसरों से मिलकर प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जिले में 554.89 करोड़ रुपए के 9 विकास कार्यों के शिलान्यास करेंगे, जबकि 159.99 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इन कार्यों के शिलान्यास के साथ ही जिले में विकास की नई धारा का आरंभ होगा। निम्नलिखित हैं वो 9 विकास कार्य और उनकी लागतें। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के भक्त निवास, इस कार्य की लागत 500 करोड़ रुपए है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के फैसिलिटी सेंटर, इस कार्य की लागत 17 करोड़ रुपए है। प्लास्टिक क्लस्टर ग्राम निमनवासा जिला उज्जैन, इस क्षेत्र के विकास के लिए 1.33 हेक्टेयर भूमि का उपयोग होगा। यह कार्य 6.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा। SPV जानवी उज्जैन, इस कार्य में लागत 6.5 करोड़ रुपए हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर एसोसिएशन, इस कार्य की लागत 1.5 करोड़ रुपए हैं। SOL इंजीनियरिंग, इस कार्य की लागत 2.0 करोड़ हैं। श्री बालाजी इंडस्ट्रीज यूनिट 2, इस कार्य की लागत 1.75 करोड़ है। विभोर इंडस्ट्रीज, इस कार्य की लागत 1.57 करोड़ रुपए है। जानवी कंटेनर्स, इस कार्य की लागत 2.5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र फरनाखेड़ी तहसील खाचरौद जिला उज्जैन में 58 इकाइयों का भूमि पूजन भी होगा, जिसकी लागत 22.07 करोड़ रुपए है। इन 9 विकास कार्यों का शिलान्यास होने के बाद इनमें से 7 कार्यों का लोकार्पण भी होगा। उज्जैन स्मार्ट सिटी मेघदूत पार्किंग, इस कार्य की लागत 11.09 करोड़ रुपए हैं। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ कार्यालय भवन के लिए आवंटित बिड़ला भवन का नवीनीकरण, इस कार्य की लागत 4 करोड़ रुपए हैं। संभागीय ITI निर्माण एवं नवीनीकरण, इस कार्य की लागत 31.49 करोड़ रुपए हैं। औद्योगिक क्षेत्र नागझिरी देवास रोड उज्जैन जिला उज्जैन में सीमेंट कंक्रीट सड़क RCC सतही नाले निर्माण कार्य, इस कार्य की लागत 8.07 करोड़ रुपए हैं। पेंट्स विक्रम उद्योगपुरी, इस कार्य की लागत 10.3 करोड़ रुपए हैं। श्री पैकर्स MP प्राली यूनिट 3 उज्जैन, इस कार्य की लागत 50.46 करोड़ रुपए हैं। अरिबा फूड्स प्राली सांवेर रोड उज्जैन, इस कार्य की लागत 44.85 करोड़ रुपए हैं। राज्य स्तर पर विकास की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में 15 MSME क्लस्टर के भूमि पूजन और लोकार्पण का भी आयोजन होगा। इसके साथ ही राज्य स्तर पर 552 नई इकाइयों की स्थापना और 1708 इकाइयों का लोकार्पण भी होगा। इसके लिए कुल 1937 करोड़ और 932 करोड़ 22 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा, जो कि प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य स्तर पर 307 नई इकाइयों का भूमि पूजन भी होगा, जिसके लिए 556.21 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस प्रकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिससे प्रदेश के उत्थान में मदद मिलेगी और नागरिकों को और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।